Hello students, welcome back to online classes, and we were discussing about the chapter 11, that is alcohols and ethers. And in this chapter, in our previous chapter, we have already discussed about the classification and nomenclature of ethers. Today we will discuss about the preparation method of ether. And here there are two methods from which we prepare ethers, and first is Williamson ether synthesis and the second one is dehydration of alcohols, and both the reaction we have already discussed in our previous chapter. So first reaction is Williamson ether synthesis. Williamson's ether synthesis, and in this reaction we take first RX, that is haloalkane, and it is reacted with sodium alkoxide. किसके साथ इसकी reaction होती है? Sodium alkoxide के साथ में, and in the presence of ether, ether की presence में. तो यहाँ पे क्या होता है, RX, that is the haloalkane, haloalkane की reaction कराते हैं हम sodium alkoxide के साथ में. तो किस तरीके से होगा, अगर मैं इस R को R dash के जैसे represent कर देती हूँ, तो देखिए किस तरीके से reaction होगी. यहाँ से Na और X remove हो जाएगा, ठीक है, और क्या बचा है, RO R, क्या है, RO R, तो क्या बनेगा, RO R, that is ether. इस तरीके से हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से क्या बना सकते हैं, ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर RX की जगह ले लेती हूँ CH3X, या फिर हम बात करते हैं CH3Cl, क्लोरोमीथेन, ठीक है, और यहाँ पर RONA की जगह ले लेती हूँ मैं सोडियम इथोक्साइड, ठीक है. तो सेम ऐसे ही ईथर के प्रेजेंस में यहाँ पर से देखिए NaCl रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl रिमूव हो जाएगा, और क्या बनेगा, C2H5OCH3, क्या बनेगा, C2H5OCH3, जो कि हमारा ईथर है. किस तरीके का ईथर है, ये एसिमेट्रिक ईथर है. कैसा ईथर है, एसिमेट्रिक ईथर, ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, ईथर सिंथेसिस कर सकते हैं. यहाँ पर जब हम एसिमेट्रिक ईथर बनाते हैं, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इस रिएक्शन में जो ईथर है वो उसका एक मिक्सचर बनता है, तो एसिमेट्रिक ईथर्स बनाने का एक अच्छा मेथड हम इसे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो सेकंड मेथड है, चलिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, नोट जो कि हमें याद रखना है, एंड दैट इज़, अगर हमें सोडियम ब्यूटाऑक्साइड ये ईथर बनाना है, क्या है ये, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर. अगर हमें टर्शरी ब्यूटाइल ईथर मिथाइल ईथर, देखिए टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाना है, या हम तो हम किस तरीके से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसे प्रिपेयर करने के लिए हमें जो CH3Cl है वो तो हमें लेना पड़ेगा, यानी कि RX हमें लेना पड़ेगा CH3Cl, ये हमें क्या लेना पड़ेगा, हेलोएल्केन, और जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा. सोडियम एल्कोक्साइड हमें कौन सा लेना है, टर्शरी सोडियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड, क्या लेना है हमें, सोडियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड, ठीक है. तो RX तो हमें लेना है क्लोरोमीथेन, और एल्कोक्साइड हमें लेना है सोडियम एल्कोक्साइड हमें लेना है टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड, सोडियम टर्शरी ब्यूटाऑक्साइड. तो इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर होगा, और वो क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर. तो ये ईथर बनाने के लिए हमें जो एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है, वो तो हमें ये लेना होगा, और जो RX है वो हमें यह लेना पड़ेगा. अगर हम इसे उल्टा कर दें, यानी अगर हम इसका अपोजिट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इसकी बात करती हूँ कि अगर मैंने इस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया, और एल्कोक्साइड अगर मैं सोडियम एल्कोक्साइड अगर मैं ये लेती हूँ, सोडियम मिथोक्साइड अगर ये लेती हूँ,
तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट ये नहीं मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलती है। क्या मिलती है हमें, एल्कीन। इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, एल्कीन मिलता है एज ए प्रोडक्ट। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है कि अगर हमें टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाना है तो हमें इस तरीके से हमारे रिएक्टेंट्स चूज़ करने होंगे। अगर हमने ये रिएक्टेंट चूज़ करे हैं तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन मेथड है एंड दैट इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सेकंड हमारा जो प्रिपरेशन मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल से डिहाइड्रेशन कराकर भी हम ईथर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर एल्कोहल लिया है इथेनॉल, ठीक है, और मैं यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 को यहाँ पर पुट कर दूंगी या इनके साथ ऐड कर दूंगी, क्योंकि कंसनट्रेट H2SO4 जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करता है। ठीक है, तो कंसनट्रेट H2SO4 लिया और अगर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर 413 केल्विन लिया है तो यहाँ पर हमारे पास में ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या होगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन में पार्ट लेंगे। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन में अगर मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और क्या बनती है, इथीन बनती है, एल्कीन प्रिपेयर हो जाती है। तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एल्कोहल वाले चैप्टर में, दैट इज़ द एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है ये, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर एल्कोहल्स को 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स अगर हम चूज़ करते हैं, क्या चूज़ करते हैं, अगर हम 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल्स का सिलेक्शन करते हैं तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो होती है SN टाइप। कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप। तो SN1 टाइप की जो रिएक्शन यहाँ पर होती है जब ईथर बनता है बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड एट 413 केल्विन, तो यहाँ जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है वो SN1 टाइप का होता है। अगर हमने 1 डिग्री के अलावा 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स का चूज़ करते हैं और ये रिएक्शन हम इस तरीके से करवा रहे होते हैं, तो याद रखिएगा SN1 और SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, जिसकी वजह से ईथर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और हमेशा कौन सी रिएक्शन अप्लाई होगी, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन अप्लाई होगी। तो ये दो बातें हमें इम्पॉर्टेंट है जो मोस्टली पूछी जाती है, इनके बारे में हमें याद रखना है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते तो सबसे पहले हमारे बॉन्ड एंगल की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पर भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये ईथर है, मैंने ईथर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, लाइकवाइज। तो यहाँ पर मैं यहाँ वाटर का भी एक एग्जांपल बना देती हूँ, H2O, और हम सभी को पता है कि वाटर की जो जो शेप होती है वो कैसी होती है, एंगुलर शेप होती है और इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 104.25 या फिर 4 इंच। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इधर ईथर की तरफ जाते हैं तो वाटर के जो 2 H होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, या वो क्या हो जाएंगे, मिथाइल या एल्काइल सब्सिट्यूएंट्स जो होते हैं उनसे रिप्लेस हो जाते हैं, सब्सिट्यूट हो जाते हैं। तो ये जो R होते हैं, 2 R जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए होते हैं, ये ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो इन बुल्की जो ग्रुप्स की वजह से क्या होते हैं, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 110 डिग्री के करीब होता है। ठीक है, तो ये हमें स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट है बॉन्ड एंगल वाली बात, कि जो ईथर्स होता है उनका बॉन्ड एंगल थोड़ा इंक्रीज़ क्यों हो जाता है, जबकि उसकी शेप कैसी होती है,
एंगुलर ही होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी ही यहाँ पर होता है वाटर मॉलिक्यूल के जैसे ही, ठीक है। बट बॉन्ड एंगल स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू बुल्की एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। तो देखिए, सोल्यूबिलिटी की जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं वाटर में सोल्यूबिलिटी की। तो यहाँ पर ईथर की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है, और ईथर के पास में क्या होते हैं, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं। तो वाटर में ये ऑक्सीजन क्या कर लेती है, हाइड्रोजन के साथ में क्या कर लेती है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो ईथर क्या करता है, पानी के साथ में वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन ब्रांच। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रांच अगर बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास और ब्रांच से रिलेटेड हम क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, वैसा का वैसा ही जो है यहाँ पर भी ईथर में भी देखने को मिलता है। उसके बाद हम कंपैरिजन पढ़ते हैं, तो कंपैरिजन में हमें ये देखना है कि किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है ना। अगर किसी मॉलिक्यूल में, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक तो हम ले लेते हैं प्रोपेन, एक तो हमने क्या ले लिया, प्रोपेन, एक हम ले लेते हैं ईथर, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, लगभग सिमिलर ही होता है। कैसा होता है, सिमिलर, लगभग सेम है, ठीक है। एक मैंने लिया है अल्कोहल, तो यहाँ पर देखिए एल्केन, ईथर और अल्कोहल का अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन देखना है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है। अल्कोहल में क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे ज़्यादा तो क्या होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर ईथर में क्या होता है, क्योंकि ईथर में ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड और ये है पॉजिटिवली, स्लाइटली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव आ जाते हैं। यहाँ पे डाइपोल जो अट्रैक्शन फोर्सेस देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्केन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ द डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है। तो इस तरीके से अल्कोहल ईथर में अगर कंपैरिजन पूछा जाए तो अल्कोहल्स मोर बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे। फिर ईथर में और एल्केन्स में पूछा जाए तो ईथर्स क्या होते हैं, मोर जो हैं बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।